अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। दिस इज़ योर होस्ट एडवोकेट कमर राजपूत। एक्चुअली आज जिस जगह पे मैं आया हूँ, ना तो वो कैफ़े है ना रेस्टोरेंट है। चाचा गुलाम मुस्तफ़ा साग पराठा और मक्खन उसके ऊपर रख के देते हैं। ये मशहूर हैं इस चीज़ के लिए, पिछले तकरीबन कोई 25-30 साल से कर रहे हैं। आज चाचा गुलाम मुस्तफ़ा तो नहीं है, उनके बेटे मौजूद हैं यहाँ पे, तो चेक करते हैं खा के पराठा किस तरह का है, साग कैसा है। यहाँ पे बिल्कुल देख के वो सारा सुनहरी, जिस तरह वो लकड़ी की आग पे पका रहे हैं और वही पुराने स्टाइल का उन्होंने ऊपर तवा सा रखा हुआ है, साथ में मक्खन है और साग और पराठा, ये देख के गांव की याद दिलवा देता। जिस तरह से 25-30 साल पहले इन्होंने शुरू किया था, एक साइड पे दीवार पे के बाहर, अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट से आगे आके ये साथ में गली है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इवन इतना फेमस होने के बावजूद भी इन्होंने कुछ भी बदला नहीं है। तो अब ट्राई करते हैं और खा के देखते हैं किस तरह का। ऑलराइट व्यूअर्स, सो तकरीबन 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद पराठा और साग मिल गया। एक्चुअली थोड़ी देर पहले मैं आपको अगर दिखाता, एग्री नहीं किए, एक यंग लॉयर यहाँ पे वेट कर रहा था, क्योंकि एज आई मैंशनड अर्लियर के थोड़ा सा पीछे जाएं तो सिविल कोर्ट है, तो काफ़ी वकला यहाँ पे आते रहते हैं। बाकी टेस्ट करते हैं आप, क्योंकि जब खाना आपके सामने आ जाए तो इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। देख सकते हो आपके साग, उसके ऊपर मक्खन। भाईजान कितने का है ये? इस महंगाई के दौर में 60 रुपए का ये मिल रहा। चॉकलेट टॉफियां शॉफियां छोड़ो यार, ये चीज़ खाया करो। खा गया ना, पिंडों की याद ताज़ा हो जाती है। बीच में थोड़ा सा मकई का भी टच है। एनीवे आज के वीडियो में इतना ही था। पिन लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और अगर आपने फैमिली के साथ आना, आप गाड़ी पे आ सकते हो, रोक सकते हो, खा सकते हो। 11:30 बजे तक ये होते हैं। एक अगली वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।